दोस्तों ये है लेजेंड्स काउबॉय राइफल। ये क्लासिक वाइल्ड वेस्ट लीवर एक्शन राइफल है। अगर आपने वेस्टर्न मूवीज़ देखा होगा तो उसमें भी इस प्रकार के जो राइफल्स है इनका उपयोग किया गया है। इसका जो फिनिशिंग है ये भी हूबहू वैसा ही है और इसका जो मैकेनिज़्म है ये भी वैसा है। मतलब कि लीवर एक्शन, जहाँ पर इस प्रकार का एक्शन आपको करना है, इससे जो शेल्स हैं, ये देखिए ये जो शेल है ये लोड हो जाएगा, फिर आप फायर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर से जो एक्शन है इसे रिपीट करना है ताकि जो शेल है वो इजेक्ट हो जाए और जो दूसरा शेल है अगर इसमें होगा तो वो लोड हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग राइफल है। वैसे ये रियल राइफल नहीं है बल्कि ये एक एयरगन है। जी हाँ दोस्तों, एयरगन। और ये जो शेल्स हैं ये भी रियल शेल नहीं है। इसमें ये देखिए एक होल है जहाँ पर आपको स्टील बीबीज डालना है और फिर उसे यहाँ पर इस प्रकार से लोड करना है। ऐसे 10 शेल्स दिया हुआ है, इन्हें आप लोड कर सकते हैं और फिर ये जो लीवर एक्शन है इसका उपयोग करके, ये देखिए जो शेल है ये लोड हो गया है। अब मैं फायर कर सकता हूँ और फायरिंग करने के बाद फिर से इसे इजेक्ट कर सकता हूँ। जो दूसरा शेल है ये लोड हो गया है, फायर करके फिर से जो दूसरा शेल है इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग राइफल है ये। 0.177 कैलिबर का है और इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी 0.177 कैलिबर के राइफल्स या गन्स हैं उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। ये है लेजेंड्स काउबॉय राइफल CO2 एयरगन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसमें बेसिकली आपको 2 CO2s का उपयोग करना पड़ेगा और स्टील बीबीज इसमें आपको डालना है। इसका जो बैरल है ये मेटल का बना हुआ है, लीवर एक्शन सिस्टम के साथ में आता है और मैक्सिमम 10 राउंड्स कैपेसिटी है। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए बॉक्स में ये है वो राइफल। एक्चुअली काफ़ी हैवी है और जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। इसके अलावा बॉक्स में ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बुकलेट, और ये देखिए ये 10 शेल्स दिया हुआ है। ये इस प्रकार का शेल है और यहाँ पर आपको इसमें बीबीज डालना है। आप ये स्टील बीबीज का उपयोग कर सकते हैं और इसमें आपको CO2 सिलेंडर्स लगने वाले हैं, तकरीबन 2 CO2 सिलेंडर्स। तो ये देखिए ये है काउबॉय राइफल। इसकी जो क्वालिटी है एकदम जैसे ओरिजिनल होती है वैसी है। इसकी क्वालिटी को एक्चुअली फील करने के लिए आपको इसे आपके हाथों में पकड़ना पड़ेगा। वैसे ये वुड फिनिशिंग के साथ में आता है और मोस्ट ऑफ़ दी बॉडी जो है ये मेटल की बनी हुई है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो वेस्टर्न मूवीज़ हैं उसमें इस प्रकार के गन का उपयोग किया जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस हिसाब से। लेकिन ये एक्चुअल गन नहीं है, लेकिन दिखता वैसे ही है एक्चुअल गन की तरह। और यहाँ पे देखिए ये सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये अब लॉक हो गया है, अब ये अनलॉक हो गया है। मुझे ख़ास करके इसका जो वुड फिनिशिंग है ये काफ़ी अमेजिंग लगा। और यहाँ पे देखिए ये है ट्रिगर और इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। काउबॉय राइफल यहाँ पर लिखा हुआ है और ये देखिए जो फिनिशिंग है एकदम ऑसम लेवल की है। तो इसे बेसिकली यूज़ करने के लिए आपको 3 फिंगर्स यहाँ पर डालना है और ये ट्रिगर के लिए है। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको इस प्रकार का एक्शन करना है, इससे जो बुलेट है ये लोड हो जाएगा और अब ये रेडी है, आप फायर कर सकते हैं और फिर से इस प्रकार से आप जो नेक्स्ट बुलेट है वो लोड हो गया है और आप फायर कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं जो CO2 है उसे भर के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये बटन है, इसे आपको प्रेस करना है और थोड़ा सा आपको इसे ट्विस्ट करना है इस प्रकार से ताकि ये जो बट का कवर है ये निकल जाए। तो ये लीजिए ये जो बैक है इस प्रकार से निकल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें जो एलन की है यहाँ पर बिल्ट इन दिया हुआ है, इस एलन की का उपयोग करके ये जो भाग है इसे आपको खोलना है इस प्रकार से और इसके अंदर आपको 2 CO2s डालना है। तो इसे मैं खोल देता हूँ, ये लीजिए अब ये खुल गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पिन है जो कि जो CO2 है उसका जो सील है उसे पंचर करने वाला है और ऐसा ही सील अंदर भी दिया हुआ है, काफ़ी अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर मुझे 2 CO2s यूज़ करना है तो मैं उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। ये 2 CO2s मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये जो CO2 कैप्सूल्स है इन्हें आपको इस प्रकार से अंदर डालना है। तो 2 पिन्स है गन में जो कि ये जो 2 सील्स हैं इन्हें पंचर करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं ये जो CO2 है इसे गन में डालूं, ये जो सील है इसके ऊपर मैं ये पेलगन ऑयल डालता हूं एक ड्रॉप। ये जो ऑयल है ये बेसिकली
जो गन का हेल्थ है इसे अच्छा रखता है, काफ़ी सालों तक आपको ट्रबल फ्री परफॉर्मेंस देने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पहला CO2 है इसे मुझे इस प्रकार से डालना है, और ये जो दूसरा CO2 है इसे मुझे इस प्रकार से डालना है, और ये जो सील वाला भाग है ये यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है, और ये जो एलन की जो बैक साइड पर दिया हुआ है इसका उपयोग करके इसे मैं टाइट कर सकता हूँ इस प्रकार से। और जैसे ही आप इसे टाइट करेंगे एक पॉइंट के बाद जो सील है वो ब्रेक होने वाला है, आपको हिस करके साउंड आने वाला है, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइट करना है। ये देखिए अब एक बहुत ही मामूली सा हिस साउंड मुझे सुनाई दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइट करना है बस। अब ये रेडी है, इसे निकाल के मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसे बंद कर सकता हूँ, ये लीजिए। और अब ये जो राइफ़ल है ये CO2 से लोडेड है, तो राइफ़ल में मैंने दो CO2 कार्ट्रेजेस डाल दिया है, और अब जो शेल्स हैं इनमें मैं जो स्टील बीबीज़ है इन्हें मैं डालता हूँ। वैसे इसमें स्टील बीबीज़ का ही आपको उपयोग करना है, और 10 शेल्स हैं, और 10 शेल्स में मैं ये जो स्टील बीबीज़ है इसे मैंने डाल दिया है। अब जो 10 शेल्स है इसे आपको इस प्रकार से गन में लोड करना है। इसका जो लोडिंग प्रोसीजर है वो सेम है जैसा कि रियल गन में है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रियल गन नहीं है बल्कि एयर गन है, लेकिन आपको इसे एज अ रियल गन की तरह ही ट्रीट करना है। ये जो शेल्स हैं इन्हें लोड करने के बाद जब आप लीवर एक्शन करते हैं तो एक शेल लोड हो जाता है, और जो राइफ़ल है ये तैयार है फायरिंग के लिए। फायरिंग करने के बाद आप फिर से ये जो एक्शन है कर सकते हैं, जो यूज्ड शेल है वो इजेक्ट हो जाएगा और दूसरा शेल ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, और फिर से आप फायर कर सकते हैं। तो हर बार फायरिंग करने के बाद आपको ये जो लीवर एक्शन है इसे फॉलो करना है, और जो शेल्स है वो लोड होंगे। इसका जो एक्यूरेसी है ये भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एक्यूरेट है, और इसमें जो CO2s हैं, दो CO2, इससे आप तकरीबन 60 शॉट्स तक कर पाएंगे, उसके बाद में जो CO2 है उसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे इसका जो रेंज है मुझे लगता है कि ये तकरीबन 40-50 मीटर्स तक हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्पीड है ये है 180 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर आपको याद होगा मैंने ग्लॉक 17 जेन 4 का वीडियो बनाया था, तो वो जो हैंडगन है उसका स्पीड है 114 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका रेंज है तकरीबन 25-30 मीटर्स। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा रेंज वाला राइफ़ल है। अब ये जो राइफ़ल है ख़ास करके आप फन यूज़ के लिए, या फिर अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं मूवीज़ वहाँ पर आपको इस प्रकार का राइफ़ल यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका जो इजेक्शन सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों ये काउबॉय लेजेंड्स राइफ़ल आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।